हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ड्रॉइड कंच। और जैसा कि आपने टाइटल या फिर थंबनेल से पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो जी हाँ, ये वीडियो है वीडियोस एडिटिंग के बारे में। और अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं किसी भी टूल से, तो आप जानते ही होंगे कितना एफर्ट लग जाता है किसी एक वीडियो को स्क्रैच से बनाने में, उसके म्यूज़िक को ढूंढने में या फिर उसको सेट करने में, और किस तरह से हम लोग को स्टॉक वीडियोज, स्टॉक इमेजेस या फिर कलर करेक्शन या फिर उसका एडजस्टमेंट, ट्रिम, टॉप, एवरीथिंग, एनिमेशन और स्लाइड आउट, फेड इन, ट्रांजिशन, जितनी भी चीज़ें अगर आप ले लेंगे उसमें बहुत सारा टाइम लगता ही है अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं। लेकिन आज हम इस टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है InVideo। अगर आप इससे वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं तो आप बहुत सारा समय बचा देते हैं और आप ब्राउज़र पर ही वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द वे, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आप बस, आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है बस, और आप अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप फाइबर या फिर अपवर्क पे वीडियो एडिटिंग की गिग्स या फिर ऑर्डर्स को लेते हैं, तो जानते ही होंगे कि जो यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है कि उनको जल्दी जल्दी डिलीवरी चाहिए। और कुछ लोग तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन होती हैं उनकी, जैसे अगर उनको ई कॉमर्स या फिर किसी प्रोडक्ट की एड बनवानी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एनिमेशन, थोड़े से टेक्स्ट एनिमेशन और थोड़े से ब्लर्ब और इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, जो कि आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो मोबाइल का ही सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, उससे भी आप कर सकते हैं। बट इन केस उसमें म्यूज़िक चाहिए, वॉइस ओवर चाहिए, तो वो आपको मोबाइल एप्लीकेशंस में, जी हाँ, नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं InVideo को। तो जानते हैं InVideo के कुछ फीचर्स के बारे में बहुत जल्द। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, तो जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो बिल्कुल नहीं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये एक सिर्फ रिव्यू वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप InVideo का यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और या फिर ये टूल लेना आपके लिए सही है या फिर नहीं। मैं इस टूल को पिछले बहुत महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इस टूल के फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो आपको प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कहता है कि 5000 से प्लस टेम्पलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स 200 टेम्पलेट्स ही ऐसे होंगे जो आप अच्छे से यूज़ कर सकेंगे या फिर जो बहुत ही वेल डिज़ाइंड होंगे। बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स ऐसे ही हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, तो मैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको प्री मेड टेम्पलेट्स में एंगल्स मिल जाते हैं, वाइड एंगल, स्क्वायर मोड या फिर वर्टिकल। तो जैसा भी आप चूज़ करेंगे वैसे ही आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे नीचे बायफरकेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी और पे क्लिक करते हैं तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको उसमें स्क्वायर चाहिए, वर्टिकल चाहिए या फिर वाइड चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लेआउट एडजस्ट हो जाता है और आप उसको टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्वायर में चाहिए तो आप स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे और सारे स्क्वायर टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये रही टेम्पलेट्स की बात। अगर आते हैं टेक्स्ट वीडियो में, तो जैसे कि अगर आप कोई मीडिया चैनल है या फिर जैसे कि आप देखते ही होंगे कि लोग कोई न्यूज़ को पकड़ के वीडियो बना देते हैं, तो वैसे अगर आपको वीडियोस क्रिएट करनी है तो आप जल्दी से किसी न्यूज़ वेबसाइट पर जाइए, कंटेंट को लीजिए, इमेजेस निकाल लीजिए थोड़ी सी बस, और यहाँ पे वाइड, स्क्वायर, वर्टिकल, किसी भी एंगल में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यूज़ करना है उस टेम्पलेट को, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्क्रिप्ट डालने का, अपनी हेडलाइन डालिए, स्टोरी डालिए, आप ऑटो सजेस्टेड इमेज वीडियोस के फीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियोस और इमेजेस भी मिल जाएंगी उस कंटेंट के रिगार्डिंग, अगर वो अवेलेबल होंगी तो। अगर न्यू कंटेंट है, यानी कि जो आपका कंटेंट है वो आपको लगता है कि गूगल या फिर किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल नया है, वो उसका टॉपिक ही बिल्कुल नया है, तो आप इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी इमेजेस वीडियोज़ जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो कंटेंट है उसको यूआरएल के थ्रू पुल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट देखी, उस पर न्यूज़ का आर्टिकल आपने देखा, तो उस न्यूज़ के आर्टिकल का जो फुल यूआरएल है वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा जो है स्क्रैप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये वही फीचर है जो ये है, ठीक है, यानी कि इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इमेजेस वीडियोज़ मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आता है ऐड योर मीडिया फाइल्स हियर, ये बीटा वर्जन में है। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फाइल्स को भी आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। और अब आते हैं हम लोग ब्लैंक कैनवास के बारे में। ब्लैंक कैनवास इज़ लाइक स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, डू योर थिंग, या तो यहाँ पे आपको बस करना यह है कि यहाँ पे अपने आप चूज़ कर लेना है एंगल, किस एंगल में वीडियो चाहते हैं। वाइड यूट्यूब वीडियोज़ के लिए बहुत परफेक्ट है, स्क्वायर आपका फेसबुक वीडियोज़, इंस्टाग्राम वीडियोज़ के लिए बहुत परफेक्ट है, वर्टिकल
फेसबुक की स्टोरीज़, यूट्यूब की शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस जो भी आप कहें उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग किसी प्रीमेड टेम्पलेट से, ताकि मैं आपको एडिटर दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी, जैसे ये है, इसको हम लोग ले लेते हैं टेम्पलेट को। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ का जो टेम्पलेट है वो लोड हो जाएगा एडिटर में। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो सीन्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेयर्स मिल जाएंगी, एवरीथिंग लेयर्स को यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं, या आप मूव कर सकते हैं, पोजीशनिंग उनकी चेंज कर सकते हैं, शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन उसका चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सीन और ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, टाइमलाइन को इस व्यू में भी देख सकते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, सारी फॉर्मेटिंग आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। एनिमेशन की ड्यूरेशन, एवरीथिंग, जो जो आपको करनी है सब कुछ आप कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, स्वाइप अप के लिए यहाँ पे हम लोग के पास एक स्टिकर आएगा, सी है ना, ये स्टिकर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फेड इन एनिमेशन है इनका, और यहाँ पे फेड आउट एनिमेशन नन में लगा है, तो इसको भी आप कुछ एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस पे आए तो हम लोग, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स और भी मिल जाते हैं, अपलोड अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप डेस्कटॉप कर सकते हैं, जैसे कैनवा एनवा किसी भी में भी होता है। वीडियोस आप यहाँ पे ले सकते हैं स्टॉक लाइब्रेरी से। ठीक है, अगर जैसे इमेज है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस में आता हूँ, तो अगर मेरे को रिप्लेस करनी है तो यहाँ पे सिर्फ उसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये तुरंत रिप्लेस हो जाएगी। उसको मूव करना है तो ये वो भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसको क्रॉप करना है मेरे को, तो ये वो भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इतना पोर्शन परफेक्ट, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर टाइप, एनिमेट, फिल्टर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्लर एनिमेशन भी मिल जाता है, जिससे आप इमेज को ब्लर कर सकते हैं। ठीक, रिमूव कर सकते हैं आप उसका बैकग्राउंड, बीटा फीचर है, क्लिक कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम लेगा, इसको काट ही देते हैं, लेकिन फिर भी इसने कर दिया ब्लर। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। म्यूज़िक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जेनर चूज़ कर सकते हैं, जेनर के बाद मूड है, SFX है, मिसलेनियस में आपको सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जेनर में जाता हूँ मैं, तो मैं चूज़ करता हूँ रॉक, और यहाँ पे आपको रॉक में सारे के सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप इसको लिसन कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट तो बिल्कुल कैनवा की तरह लग रहा है मेरे को, यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, और फिर यहाँ पे पैराग्राफ्स टाइप में, और फिर यहाँ पे बेसिक मतलब उसके जो भी स्टाइल्स हैं आपके टेक्स्ट में आपको मिल जाते हैं सारे के सारे। ये लोअर थर्ड्स के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, इस तरह के एनिमेशन वाले टेक्स्ट। ठीक है, सब आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप यूट्यूब का इंट्रो बना रहे हैं, यूट्यूब का आउटरो वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इंस्टाग्राम की कोई वीडियो है वहाँ पर एंडिंग वीडियो है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव है, और बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत ही आजकल की मतलब न्यू एज जनरेशन जो वीडियोस बनती हैं उसी के लिए ये स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। और फिर आते हैं लोगोस में, आप अपने लोगो अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे लोगो है वो अपने आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको विदाउट लोगो को अपलोड किए पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सिर्फ एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कलर्स हैं, तो कलर्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो अगर आप किसी पे भी अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपका टेक्स्ट टेक्स्ट या फिर जो बैकग्राउंड है इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरा थीम आपका वीडियो का चेंज हो जाएगा इसी कलर रेशियो में। फिर यहाँ पे फोल्डर्स हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर्स, अपने जो कॉन्टेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। स्टिकर्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे से कैटेगराइज हैं, तो जिस भी तरह का आपको स्टिकर चाहिए वो आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पर यूट्यूब का कोई स्टिकर चाहिए, तो यहाँ पे मैं YouTube सर्च करता हूँ और यहाँ पे मेरे को सारे के सारे YouTube के रिलेटेड स्टिकर्स मिल जाते हैं। सब्सक्राइब सर्च करूँगा तो सब्सक्राइब्स के रिलेटेड मिल जाएंगे, लाइक के रिलेटेड, जैसा कि आप यूजुअली किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में करते ही होंगे, है ना। तो उसके बाद आता है ओवरलेस। ओवरलेस में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ओवरलेस मिल जाते हैं, जैसे कि ये ओवरले है, ठीक है, क्लिक करते ही ऐड हो जाता है। ठीक है, अब आफ्टर इफेक्ट्स में आप जानते ही होंगे कि इस तरह के एनिमेशन को क्रिएट करने में कम से कम 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, है ना। आप उसको मतलब 3D वीडियो में जाते हैं, उसके बाद हर एक एनिमेशन के
बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, आई नो। ठीक है, तो ये आप बहुत ही ज़्यादा टाइम आप सेव कर सकते हैं। स्मोक एनिमेशन भी है, सब हर तरह के एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी, जिनको आप तुरंत यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरह के एनिमेशन यहाँ पे ओवरलेज में मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर कुछ शेप्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये एरो हो गया स्वाइप अप टाइप के लिए, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एरोज़ आप यूज़ कर सकते हैं किसी, मतलब क्लिक बेट, मुझे तो ये क्लिक बेट की याद दिलाता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एरोज़ हैं, तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे। कोई आपको स्पेसिफिक शेप जैसे पता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे मास्क में अगर आप आते हैं तो आपको मास्क मिल जाते हैं। मास्क का यूज़ आपको पता ही होगा कि आप कभी भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसका एक तरह से प्लेस होल्डर बन जाता है। तो मास्क इज़ लाइक ए प्लेस होल्डर फॉर योर इमेज और कंटेंट। ठीक है, तो बहुत सारे मास्क हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोलाज है, देख रहे होंगे आपको किस किस तरह की कोलाज मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करेंगे तुरंत ऐड हो जाएगी, परफेक्ट। लेकिन मुझे चाहिए नहीं तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सोशल है, ट्विटर ट्वीट्स, एक तरह से ये इंटीग्रेशन बोल सकते हैं ये, कि ट्विटर के ट्वीट्स को यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं या फिर उसका कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं वीडियोस में। क्लिक करेंगे, एंटर ट्वीट का पोस्ट लिंक डालेंगे और ट्वीट को फेच कर लेंगे। ठीक है, तो ये था इस पूरे सॉफ्टवेयर में। तो बेसिक सा सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। म्यूज़िक मिल जाता है, वॉइस ओवर मिल जाता है, ठीक है, लेयर्स एनिमेशंस मिल जाते हैं, ठीक है, स्टिकर्स मिल जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को आप क्लिक करके उसके जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं पॉसिबल वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें अवेलेबल जितने भी वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे वो कैनवा ही क्यों ना हो, फ्लेक्स क्लिप है ना, तो उनसे अगर आप कंपेयर करें तो इन वीडियो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसका एडिटर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोई बेसिक वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अपने किसी भी सोशल हैंडल के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा आपके लिए कि आप इन वीडियो पर जाएँ। और आप ट्राई कर सकते हैं, इन वीडियोज़ के प्लान बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसको आप स्टार्ट करें तो आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस जाना है invideo.io एंड इसकी प्राइसिंग पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बिज़नेस प्लान में आपको $15 पर मंथ मिल जाता है, और इसमें सब कुछ है जो कि एक फ्री प्लान में होता है। उसके बाद यहाँ पे 10 आइस तक मीडिया इमेजेस पर मंथ मिल जाती हैं, और 1 मिलियन प्लस ऑफ प्रीमियम मीडिया इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, 60 वीडियोज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक महीने में, यानी कि 2 वीडियोज़ एक दिन में, 30 दिन का अगर महीना है तो, और 20 वीडियोज़ को यानी कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसके एक तरह से क्रेडिट बंधे हुए हैं। तो यानी कि अगर आप एक बार में क्लिक करेंगे तो एक शायद उसका क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा लाइक दैट। और यहाँ पे अनलॉक फिल्मर प्रो, फिल्मर प्रो इन वीडियो की एक मोबो एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, तो ये रही प्राइसिंग डिटेल्स। अनलिमिटेड में अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, प्राइसिंग बढ़ जाती है, एनुअल पे जाते हैं थोड़ा सा कॉस्ट कम पड़ जाती है। ठीक है, तो ये था इन वीडियो के बारे में सब कुछ, और इसमें आप टीम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और सीखना है कि कैसे आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में जाएंगे और हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, एडिटर ट्यूटोरियल, आर्टिकल टू वीडियो ट्यूटोरियल, प्रैक्टिस टेम्पलेट और एवरीथिंग। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमें आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस, बाय बाय।